नवाबों के शहर लखनऊ से गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कल रात को हम काफ़ी लेट घर पहुँचे थे, पहुँचते हमें करीब 11:30 हो गए थे, तो इसलिए उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया, बस हम सो गए थे। और देखिए फिलहाल मैं तैयार हूँ पूजा के लिए, तो अभी हम सुबह की आरती के लिए निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। तो पास में ही एक पंडाल लगता है, दुर्गा पूजा का पंडाल, वहाँ जाएंगे। और बस मैं आपको अपनी सासू माँ, अपनी मदर इन लॉ से मिलाती हूँ अभी, वो भी रेडी हो चुकी हैं। इस घर में मेरे ब्रदर इन लॉ और को सिस्टर भी रहते हैं, वो तैयार हो रहे हैं, उनसे थोड़ी देर में मिलाऊंगी। पहले आपको अपनी सासू माँ से मिलाती हूँ। तो बस आज का दिन हम पंडाल हॉपिंग करेंगे, फ्रॉम वन पंडाल टू अनदर। तो दुर्गा पूजा है तो बस यही सब होता है, उसके बाद जितना हो सका आपको लखनऊ की सैर जरूर कराएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल में। तो चलिए मिलाती हूँ आपको अपनी सासू माँ से, चलिए। तो ये है माँ। माँ हेलो बोल दो सबको। हेलो। हाँ, दुर्गा पूजा विश कर दो। दुर्गा पूजा का बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे तरफ से, प्यार और आशीर्वाद सबको। हाँ देखो, अभिजीत भी तैयार है, माँ भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। अभी हम थोड़ी देर में पूजा के लिए निकलने वाले हैं। अभिजीत आपको आज पंडाल हॉपिंग कराएगा, है ना? वन पंडाल टू अनदर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज अष्टमी है और हम अभी जाएंगे आरती के लिए, सुबह की आरती के लिए, और उसके बाद पुष्पांजलि। आई स्टैंड करेक्टेड, मैंने भी आरती बोला था सुबह। ओके, पुष्पांजलि, पुष्प से अंजलि जो देते हैं या पूजा चढ़ाते हैं, पुष्पांजलि। उसके बाद हम घूमने निकलेंगे, सब जगह देखेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पंडाल भी सजा रखे हैं, अच्छी मूर्तियाँ लगाई हुई हैं, लोगों को कलकत्ता से बुलाया हुआ है। और आज मैंने अपने दोस्तों से बातें करी और उन्होंने बोला कि तीन चार अच्छी जगह है जहाँ पर हम बहुत अच्छी पूजा अर्चना देखने को मिलेगी। तो आज सब आज व्यूवर्स को यही सब देखने को मिलेगा ना, पंडाल्स। यस, चलो ठीक है। अभी 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 माँ की शॉपिंग दिखाओ, माँ के लिए जो शॉपिंग की देहरादून से, देखते हैं माँ को पसंद आती है कि नहीं आती है। माँ को दे दो, माँ खोलेंगी। देखो माँ, देखो पहले देखो। मैंने जो देहरादून से शॉपिंग की थी ना, वही है ये सूट माँ के लिए। तो मेरा फेवरेट कलर है। अरे वाह, चलो। आज अभिजीत ने भी सेम कलर पहना हुआ है, दिखाओ अभिजीत। सेम कलर अभिजीत ने भी पहना हुआ है आज। हाँ ये देखो, मैचिंग मैचिंग हो गया। हाँ बरगंडी कलर है, इसमें शॉल भी है माँ। हाँ तो अभी माँ को स्टिच करवा देंगे ये सूट हम। तो ये माँ के लिए। तो अभी सुबह के पुष्पांजलि के लिए केवल मैं और अभिजीत आए हैं, घर के पास ही है पंडाल। तो पुष्पांजलि देकर फिर हम घर वापस जाएंगे और नाश्ता लेकर जाएंगे, लखनऊ की फेमस कचौरी और जलेबी। मदर इन लॉ ने बोला है कि कचौरी और जलेबी लेकर आना, तो पहले पूजा करेंगे उसके बाद नाश्ता लेकर वापस जाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा हमारे पास, ये पंडाल घर के काफी पास है, बहुत पास है, तो वहाँ आए हैं हम लोग, तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए। हेलो बोल दो अभिजीत। घर के काफी पास है ये पंडाल, बिल्कुल पास है, तो यहाँ आए हम लोग क्योंकि आज आखिरी है ना, आज पुष्पांजलि, कल भी है, आज आखिरी है पुष्पांजलि, तो इसलिए हम आज आए हैं। आज अष्टमी और नवमी आई थिंक दोनों एक साथ पड़ रहा है। तो घर के पास ही है ये गार्डन, यहीं पे ये पंडाल लगा हुआ है छोटा सा, यहीं आए हैं हम पुष्पांजलि के लिए। ये देखिए बहुत ही प्यारा पंडाल है। तो ये रहे अभिजीत पंडाल के साथ, यस। और सामने देखिए लेडीज ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही अच्छे से तैयार हुई हैं, फोटो खिंचवा रही हैं, फोटो सेशन चल रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही हैं और पंडाल भी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ सामने लेडीज प्रसाद बना रही हैं पूजा के लिए, दिन में भोग भी होता है। तो यहाँ तो पुष्पांजलि शुरू होने में थोड़ा देर है, तो अभिजीत अभी मुझे दूसरे पंडाल लेकर जा रहे हैं, देखते हैं अभिजीत कहाँ ले जा रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। और हम निकल चुके हैं एक और पंडाल की खोज में, देखते हैं कहाँ ले जाता है हमारा ड्राइवर, हमें हैंडसम ड्राइवर हमें। और अभी हम आ गए हैं बंगाली क्लब के पूजा पंडाल में, चलिए।
ये है बंगाली क्लब का पंडाल। सुबह एक्चुअली केवल पुष्पांजलि होती है, स्टॉल्स और कल्चरल प्रोग्राम वगैरह रात को होते हैं शाम की तरफ। तो आपको दिख रहे होंगे सामने सारे स्टॉल्स, ये देखिए ये स्टॉल्स हैं और सामने है पूजा पंडाल, वो देखिए दुका दुका। तो हम पंडाल के अंदर आ गए हैं, जय माँ दुर्गा। तो हमने पुष्पांजलि कर ली है, पंडित जी अभिजीत को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो फाइनली यहाँ बंगाली क्लब में हमारी पुष्पांजलि हो गई है और आज तो हमारी अकेले की पंडित जी ने, है ना, बहुत ही अच्छा लगा। जनरली ग्रुप में होती है, बहुत सारे लोग होते हैं और एक साथ सब पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन आज हमारी पर्सनलाइज पुष्पांजलि हुई है। सो इट वॉज रियली गुड बंगाली क्लब में। अब हम चाय नाश्ता कर सकते हैं, तो चलिए चाय पीते हैं। कुल्हड़ वाली चाय पिलाओगे? नहीं बिल्कुल, अरे तुम्हें तो पिलाना ही पड़ेगा, हम तुम्हारे मेहमान हैं लखनऊ में। तो इस स्टॉल से हम ले रहे हैं कचौड़ी और अभिजीत शायद कुछ वो मिठाई ले रहा है। एंड बंगाली बाबू एंजॉयिंग, क्या है ये, संदेश है कि रसगुल्ला है? गोपाल भोग। गोपाल भोग, ये देखो बंगाली बाबू का आहा खुशी देखो जरा। और ये क्या है? ये है मटर की कचौड़ी। मटर कचौड़ी और आलू की सब्जी विद ग्रीन चटनी। और खाना है, वाह 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 वाह। तो चलिए हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो खावा दावा हो गया लो, अखन बड़ी जाची। All right. खा भी लिया और पैक भी करा, माँ के लिए पैक करा लिया है। क्या है वो गुड़ वाला जो रसगुल्ला होता है ना, वो पैक करा है। तो हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ क्योंकि काफी गर्मी हो गई है। दो पंडाल हमने अभी सुबह कर लिए, पुष्पांजलि भी हो गई। अब हम आपको लेकर चलेंगे शाम को, शाम की आरती के लिए, और जो शाम को कल्चरल प्रोग्राम और स्टॉल्स वगैरह लगते हैं ना, वो दिखाएंगे आपको। शाम की रौनक थोड़ी अलग होती है, सुबह तो केवल पुष्पांजलि वगैरह होती है, शाम को होता है असली जो रौनक होता है ना, वो शाम को होता है। तो शाम को आपको लेकर चलेंगे, फिलहाल चलिए घर चलते हैं। तो हम घर पहुंच गए हैं, अभिजीत ने गाड़ी पार्क कर दी है, चलिए अंदर चलते हैं। एंड गाइज मीट माई देवर अरिजीत, नामटू बोलते हैं वैसे तो हम इसे, अरिजीत कमी निकलता है मुँह से, नामटू बोलते हैं। और बस ये यहीं रहता है माँ के साथ। और बताओ दुर्गा पूजा की सबको विशेस दे दो। वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा, सब लोग माँ दुर्गा सब पे जो है अच्छा अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और आज अभी आए तो मजा आएगा। हाँ आज हम सब शाम को एक साथ पंडाल हॉपिंग करने वाले हैं। और ये देखिए नामटू हमारे लिए चाय बना के लाया है, ये ठीक से अच्छा पूरे तहजीब से हमारे लिए चाय बना के लाया, थैंक यू। और थोड़ी देर घर में रेस्ट करने के बाद हम दोबारा से पंडाल हॉपिंग के लिए निकल पड़े हैं, और इस बार नामटू भी हमारे साथ है, मतलब अरिजीत भी हमारे साथ है। अरिजीत अभिजीत के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, अभिजीत बड़ा भाई है, अरिजीत छोटा भाई है। तो ये दोनों ने अभी ट्यूनिंग की हुई है, इनकी ट्यूनिंग मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। इतनी भयंकर ट्यूनिंग की हुई है कि वो जो होता है ना कुंभ के मेले में तो बिछड़े हुए भाई है वैसे ही लग रहे हैं दोनों। अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ ये करने के लिए मैं नहीं बोला था लेकिन अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये अरिजीत अभी हमें लेकर आया है रविंद्र पल्ली के दुर्गा पूजा पंडाल में। और पहले आप अरिजीत को देख लीजिए, इधर देखो नामटू, और फिर आपको मैं अभिजीत को भी दिखाऊंगी। ऐसे लग रहे मेले में बिछड़े हुए दो जुड़वा भाई। ये देखो दोनों एक साथ खड़े हो जाओ, रुको दोनों एक साथ खड़े हो जाओ। ये देखो अभिजीत अरिजीत दोनों ने एक साथ ट्विनिंग कर रखी, और ये ट्विनिंग मैंने कराई इनको आज। अभी हम जा रहे हैं रविंद्र पल्ली वाले दुर्गा पूजा पंडाल में। छाता अंदर है गाड़ी के। ये लखनऊ का वन ऑफ द बेस्ट पंडाल्स माना जाता है, देखिए कितना खूबसूरत है, पूरा स्ट्रक्चर ही इन्होंने खड़ा कर दिया है मंदिर का, और पूरा ऑरेंज है, बहुत ही खूबसूरत है। हेलो, क्या मैं आप दोनों को जानती हूँ?
सप्तमी के लोगों को दिख रहे हैं तो हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे हैं, बस आखिरी पुष्पांजलि शुरू होने वाली है। विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो नमो पवित्र पवित्र दिस पंडाल प्रोबेबली वॉज द बेस्ट है ना अभी तक का। नहीं नहीं सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन मतलब बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। हाँ, डेकोरेशन के हिसाब से बहुत ही प्यारा पंडाल बनाया हुआ है। आप तो ये आज का हमारा तीसरा पंडाल था, अभी शायद एक दो पंडाल्स और जाएंगे, फिर शाम को जाएंगे। और अब हम आ गए हैं आज के चौथे पंडाल में, ये है बादशाह नगर का दुर्गा पूजा पंडाल। और ये है बादशाह नगर का पूजा पंडाल। अभिजीत सामने, जय माँ दुर्गा, दुगा दुगा। तो ये हम आए हैं रामकृष्ण परमहंस और शारदा माँ के मठ में। तो ये बहुत ही पुराना मठ है और बहुत सुंदर है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं यहीं से आपको दिखा रही हूँ बाहर से ही। और यहाँ पे अभी भोग चल रहा है, भोग के लिए बहुत लंबी लाइन है। अभिजीत और अरिजीत थोड़ी देर के लिए लगे थे लाइन में, मगर इनका साहस जवाब दे गया। अच्छा, हम कहीं और जाकर भोग खाएंगे। एक्चुअली भोग खाना अच्छा माना जाता है दुर्गा पूजा में, प्रसाद होता है ना इसलिए। तो बस अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखो अच्छा, अभिजीत और अरिजीत दोनों महानगर बॉयज से पढ़े हुए हैं। पहले इसका नाम महानगर बॉयज था, फिर उसके बाद इसका नाम महानगर इंटर कॉलेज हुआ, फिर अब मॉन्टफोर्ट इंटर कॉलेज है। तो ये दोनों धुरंधर यहीं से पढ़े हुए हैं। आइए अंदर आइए। और गाइज ये है CSIR कॉलोनी। मेरे फादर इन लॉ एक्चुअली CDRI में साइंटिस्ट थे, तो बचपन इसका अभिजीत का पूरा इसी कॉलोनी में बीता है। तो अभी मैं आपको उस घर में लेकर चल रही हूँ जहाँ पे अभिजीत ने अपने बचपन के दिन गुजारे हैं। तो चलो भाई, जुड़वा भाइयों, चलो। अच्छा, ये जो सामने घर है ना, यही वो घर है C3 जहाँ पे कि अभिजीत और अरिजीत ने अपना बचपन गुजारा है। तो अभिजीत आपको शॉर्ट में बताएंगे अपने बचपन के दिनों के बारे में। यही वो जगह है जहाँ पे हमने पूरा अपना बचपन गुजारा, बचपन से लेकर जब तक हम कॉलेज से पास आउट नहीं हो गए। ओके, पहली साइकिल, नाम टू इधर आ जाओ, पहली गर्लफ्रेंड देखी, गर्लफ्रेंड सॉरी मतलब नाम टू राइट, ये नहीं, ये गलती, ये गलती से निकला है लेकिन ये बात सही है। पीछे पीछे है, अच्छा कहाँ है मुझे वो घर भी दिखाना जरा। यहाँ से जब हम साइकिल चला के आ रहे थे तो माता जी को दिखाना चाहते थे कि हम साइकिल चलाना सीख गए। ओके, हाथ ऐसे करके चलाया और बोला माँ मैं साइकिल सीख गया और साइकिल लेके एक गड्ढे में गया। यहाँ से गड्ढा था, गड्ढा था। ओके, तो गड्ढे में गिरने का शौक शुरू से ही था मतलब। उसके बाद दिखाने आई, उसके बाद हम बैठे हुए यहाँ। ओके, पतंग लूटा करते थे। अच्छा, तो ये CSIR कॉलोनी है जो कि CDRI ना, हाँ CDRI कॉलोनी ही कह सकते हैं, CSIR कॉलोनी भी कह सकते हैं। तो फादर इन लॉ इसमें साइंटिस्ट थे CDRI में, तो ये कॉलोनी है उनकी। तो यहीं पे इनका पूरा बचपन जो है इस घर में बीता है, C3, ये जो सामने आपको घर नजर आ रहा है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अच्छा, ये जो GPU के ठंडे दही वड़े हैं ना, ये बहुत ही फेमस हैं, ये हजरतगंज में है। तो अभी मैंने ये एक प्लेट मंगवाया है, तो ये आ गए मेरे दही वड़े। थैंक यू भैया। ये देखिए, ये बहुत ही फेमस हैं। टू गुड। और इतनी गर्मी में पूरा दिन घूमने के बाद ना, ये दही वड़े इतने अच्छे लग रहे हैं ना, ठंडे ठंडे, बहुत ही यम है। तो अगर आप लखनऊ आते हैं तो ये GPO के ठंडे दही वड़े खाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए मेरे हस्बैंड ये चाणक्य के लड्डू भी लेकर आए हैं, ये भी बहुत फेमस है, यहीं पे है, बगल में ही है।
और लंच के लिए हम आए हैं नौशी जान, ये भी हज़रतगंज में ही है, काफ़ी पॉपुलर है अपने नॉनवेज डेलिकेसीज के लिए। तो चलिए, तो इन्होंने अपने लिए कबाब प्लेटर ऑर्डर किया है, काफ़ी वैरायटीज़ के कबाब, तो दोनों भाई आज कबाब इंजॉय करने वाले हैं। और मेरे लिए इस रेस्टोरेंट में कुछ नहीं है क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो मैं बाद में कुछ और खाऊंगी, फिलहाल ये लोग अपना कबाब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये आ गए कबाब, ये रहे दो नवाब साथ में रुमाली रोटी। तो अभी ये दोनों भाई कबाब से इंजॉय करने वाले हैं। तो कैसा है, हाउ इज इट? बोल नहीं रहे इसका मतलब टू गुड टाइप्स। हाँ, सो गाइज, लंच करने के बाद हम सीधा घर वापस आ गए हैं क्योंकि बहुत थक चुके थे दिन भर घूम घूम के, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने कुछ भी लंच नहीं किया क्योंकि दही बड़े खाकर ही मेरा पेट भर गया था। इन दोनों ने कबाब्स वगैरह एंजॉय किए। बस अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि शाम को दोबारा से जाना है सारे पंडाल्स में संध्या आरती के लिए और इन्जॉय करने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते हैं शाम को क्या क्या होता है। सो गाइज, हम शाम की आरती और शाम के पंडाल को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। मेरी मदर इन लॉ अभिजीत, मेरा ब्रदर इन लॉ सब तैयार हैं जाने के लिए। तो चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। और हम सब तैयार हैं शाम की पूजा के लिए। देखो, ये लेडीज तैयार हैं दोनों बाहर निकलने के लिए। सास बहू कम दोस्त ज़्यादा चल पड़े हैं बाहर घूमने, पूजा मनाने के लिए। Ready to go? See the twinning brothers in अब ट्विनिंग ब्रदर्स जो हैं आर नॉट ट्विनिंग एनी मोर। ये दिन में मैंने इनको लगा कि मैंने इनका बहुत मजाक बनाया, तो उन्होंने कहा अब हम शाम को ये सेम कलर नहीं पहनेंगे बिल्कुल भी। तो हम सब पूजा के लिए तैयार हैं, दोनों भाई तैयार हैं, माँ तैयार हैं और मैं भी तैयार हूँ। तो चलें, चलें, चलो। और हम आ गए हैं या लाल बाग की दुर्गा पूजा पंडाल में। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट नगर निगम का ऑफिस है। तो देखिए, शाम को कितनी रौनक हो जाती है पंडालों में, सारे स्टॉल्स लग जाते हैं खाने पीने के, झूले देखिए बच्चों के, और कल्चरल प्रोग्राम भी शाम को ही होता है। ये है सामने प्रतिमा देवी माँ की। तो यहाँ इस स्टॉल से वेज कबाब और रुमाली रोटी ऑर्डर कर रहे हैं मेरे और माँ के लिए। तो ये आ गए हमारे वेज कबाब और रुमाली रोटी। मान लो, वही वाला है अभी अंदर हो गया है। कैसा है माँ, बढ़िया? और अब हम घर के सबसे पास वाले पंडाल में आ गए हैं जिसमें हम सबसे पहले आए थे सुबह पुष्पांजलि के लिए, उसी पंडाल में आ गए। और मैं यहाँ तंदूरी चाय पीने के लिए आई हूँ, शाम से चाय नहीं पिए। ये देखिए, यहाँ कुल्हड़ गरम कर रहे हैं, उसके बाद इसमें चाय डाल रहे हैं। और ये आ गई, और ये आ गई मेरी कुल्हड़ वाली चाय। माँ नहीं पी रही है क्योंकि उन्होंने अभी अभी कोल्ड ड्रिंक पिया है, तो इसलिए नहीं मार रही। तो देखिए, वही पंडाल है जिसमें हम सबसे पहले आए थे सुबह, और सबसे आखिरी में भी दोबारा यहीं आए हैं, इसके बाद हम घर जाएंगे। जय माँ दुर्गा। तुम जानो, चाहे परत लो जो ना मानो, कोई उपाय आप बताएं। और ये कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, तो व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी? वाह वाह,
ढूंढा हो उपाय, आपसे तो बस राम बचा। इस दिन में देखूं दिन के। और अब हम आ गए हैं प्रकाश की कुल्फी खाने के लिए, जो कि बहुत 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 ज्यादा फेमस है। तो ये है प्रकाश की कुल्फी। एक्चुअली इसका जो मेन ब्रांच है वो तो अमीनाबाद में है, लेकिन अब काफ़ी सारे ब्रांच खुल चुके हैं, और ये वाला जो ब्रांच है ये हमारे घर के बहुत पास है, तो हम यहाँ आए हैं कुल्फी खाने के लिए। और ये आ गई हमारी कुल्फी। सो गाइस, पंडाल हॉपिंग करके, खाना एंजॉय करके हम घर वापस पहुंच चुके हैं। बहुत थक चुके हैं, लेकिन मज़ा बहुत आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये दुर्गा पूजा स्पेशल व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, हमारी पंडाल हॉपिंग ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।